हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। आज ऊना में हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा किसानों के पक्ष में रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर की अध्यक्षता में रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं और किसानों ने ट्रैक्टर के माध्यम से बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी बिल पास नहीं किया गया बल्कि थोपा गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धक्का किया है। सरकार ने जो किसान विरोधी बिल लाया है उसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। उसी के विरोध में आज हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस भी, आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से भारतीय युवा कांग्रेस किसानों के समर्थन में सड़कों पर निकली हुई है। आज हम एक संदेश देने के लिए और ये जो सोई हुई सरकार है जिन्होंने किसान विरोधी बिल लाया उसके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे और यहाँ से ट्रैक्टर रैली निकाल कर दर्ज कार्यालय की ओर जाएंगे और वहाँ से एक संदेश देना चाहेंगे कि इस हिमाचल प्रदेश का जो किसान और बागवान है और जो युवा वर्ग है वो इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ है। जिस तरह से बहुत ही जल्दबाजी में कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए जो इस बिल का फायदा लेने की जो कोशिश कर रहे हैं और करा रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री, उसके खिलाफ जो इस देश का युवा है वो बिल्कुल भी इसको सहन नहीं करेगा। और आपने देखा होगा कि इस बिल की ना तो उन किसान नेताओं से चर्चा की गई है जिनको इसका फायदा होने वाला है। 2004 से लेकर 2014 के बीच देखिए, इस बिल में पहले चर्चा करने के लिए 2004 से लेकर 2014 के बीच जितने भी किसान अध्यादेश जो कृषि बिल आया है उसमें पहले किसानों से चर्चा की जाती थी और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, दोनों में बड़ी गहन चर्चा की जाती थी। उज्जवल हिमाचल के लिए ऊना से ज्योति सियाल की रिपोर्ट।